नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी लेकर आ गया हूँ ना, जिसे सुनने के बाद आप लोग मतलब इतने ज्यादा डर में जा सकते हैं कि आप कभी भी कोई भी ऐसी कोई सुन लेंगे ना कि ये जगह हॉन्टेड है, वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये जो घटना है अभी से 2 साल पहले मतलब कि 2021 के टाइम के आसपास घटी थी 4 लड़कों के साथ, लेकिन आज तक वो लोग अपने जहन से इस घटना को निकाल नहीं पाए हैं। और इस घटना ने जिसके साथ ये मेनली घटना घटी थी ना, वो अपनी दिमाग से बिल्कुल भुला नहीं पाए, उसको ऐसा लगता है कि बस कल की ही बात है। भाई बात ऐसी है कि अमन, वरुण, करण और राणा नाम के 4 दोस्त हैं। ये चारों दोस्त ऐसे थे ना भाई कि एक ही जगह से कॉलेज की पढ़ाई किए थे। पढ़ाई होने के बाद मुंबई के रहने वाले ये चारों लोग, पढ़ाई होने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कोई जॉब कोई बिजनेस नहीं करेंगे। इनके घर वाले चिंता में आ गए, भाई कोई जॉब कोई बिजनेस नहीं करना है तो ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो? तो उन लोगों ने बोले कि हम लोग अपनी खुद की एक पैरानॉर्मल सोसाइटी खोलना चाहते हैं। ये लोगों ने शुरू से गौरव तिवारी को बहुत ज़्यादा फॉलो किए थे, साथ ही साथ इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे जो हॉलीवुड वाले जिनके ऊपर फिल्म बन चुकी है ना, कॉन्जरिंग वाली, एड एंड लॉरेन वॉरेन, उनके बारे में बहुत पढ़े थे, उनके बारे में बहुत कुछ सुने थे देखे थे। तो ये जो शौक था कॉलेज के टाइम में ही चारों के बीच में डेवलप हुआ, दोस्ती हुई। तो ये पता चला कि यार अपने शौक सेम है, अमन को भूत प्रेतों की चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करते करते तक ये चारों डिसाइड कर चुके थे कि इंडिया की सबसे बड़ी पैरानॉर्मल सोसाइटी इन लोगों को ओपन करना है। लेकिन कैसे किया जाए, इंडिया में तो इस चीज़ की कोई पढ़ाई होती नहीं है, कोई ऐसा ऑफिशियली सिखाता भी नहीं है। तो इन लोगों ने चीज़ों को पढ़ पढ़ कर देख देख कर करना शुरू कर दिए। अब करते क्या थे ये लोग, जैसे किसी के घर में कुछ कंप्लेंट आई कि यार हमारे घर में ऐसी कुछ भूतिया एक्टिविटी हो रही है, आप लोग देख के जाओ, तो ये लोग उस घर में विजिट करते थे और कुछ EMF मीटर खरीद लिए थे। स्टार्टिंग में तो EMF मीटर और एक दो बेसिक चीज़ें थी जिससे इन लोग पता लगाने की कोशिश करते थे। 2-4 बार इनको चीज़ें पकड़ में भी आ गई कि EMF मीटर में कुछ चीज़ शो कर रही है, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, इनके कैमरा जो इंफ्रारेड कैमरा था उसमें कैप्चर भी हो गया। तो इनका ना नाम थोड़ा सा फैल गया, मुंबई के कुछ इलाके के लोग इन्हें जानने लगे, थ्रू थ्रू करके माउथ पब्लिसिटी हुई इन लोगों की, इन लोगों को जानने लगे। फिर जान पहचान में ही किसी के घर में कुछ परेशानी होती तो ये लोग पहुंच जाते। अब ऐसा करते करते इन लोगों ने 3-4 महीने काट दिए थे और इनके घर वाले इनसे बड़े परेशान कि भाई क्या चाहते हैं ये लोग ज़िंदगी में, पैसे वैसे नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि ये जो चीज़ ये लोग करने जाते थे अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए कि भाई हम लोग आपसे पैसे नहीं लेंगे, स्टार्टिंग में ये पैसे भी नहीं लेते किसी से कि हमारी एक बार माउथ पब्लिसिटी हो जाए तो हम लोग प्रॉपर सेटअप कर सके। शुरू से ही पैसे लेना शुरू कर दिए तो लोग सोचेंगे कि ये सब हमारा पैसा लूटने का चोचला है, इस वजह से ये लोग पैसे भी नहीं लेते थे। अब भाई ऐसा करते करते 3-4 महीने हो गए थे। एक दिन अमन का एक दोस्त था जिसका नाम था निशांत, उसका मन को फोन आता है। निशांत कहीं और का नहीं बल्कि शिमला का रहने वाला था। निशांत बचपन में मतलब जो अमन था ना उसकी सोसाइटी में रहा करता था। अभी कुछ ही दिनों पहले अमन का नंबर उसने फेसबुक में लिया था, फेसबुक के थ्रू नंबर लेके इसने उसको कॉल किया था, हालचाल पूछा था कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। अमन ने सारी बातें निशांत को बताया। निशांत को सुनकर काफी ज्यादा शॉक लगा कि यार अमन जिस तरह की बातें स्कूल के टाइम पे किया करता था, बचपन में किया करता था, अब उसको करियर बनाने की सोच रहा है। मतलब अच्छा लगा एक तरीके से, निशांत ने उसको डीमोटिवेट नहीं किया, उसके इस काम को सराहाया भी और अमन ने बोला भी कि भाई तू हमारा काम फेसबुक में चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आप लोगों को चेंज नेम के साथ बता रहा हूँ ताकि किसी की भी प्राइवेसी कुछ हो ना, क्योंकि ये घटना बहुत ही ज़्यादा शॉक कर देने वाली है। कहानी को खाली अंत तक सुनिए, ये धीरे धीरे ग्रो करेगी कहानी। तो इसने इसको सारी बात बताया, निशांत ने बोला ठीक है, फ़ोन काट दिया। अब इस चीज़ के ठीक 3 दिन बाद निशांत का फिर से अमन को फ़ोन आता है, लेकिन इस बार निशांत नहीं एक बूढ़ा व्यक्ति इनसे बात कर रहा था फोन में। अमन को बूढ़ा व्यक्ति क्या बोलता है, बेटा मैंने सुना हूँ कि आप लोग ये जो भूत प्रेत वाली चीज़ें हैं इनको थोड़ा सुलझाते हो, चीज़ों को पकड़ते हो, देखते हो कि क्या है क्या नहीं है। भाई अगर आपके बात में सच्चाई है तो आप मेरे घर पर आइए, दरअसल जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी खतरनाक एक्टिविटीज़ हो रही है और मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, 75 साल का हूँ, मेरी ना ही पत्नी है ना ही कोई बच्चा है, अकेला हूँ, घबराता हूँ कि ये सारी चीज़ों से कब निकल पाऊँगा बाहर। अमन ने बोला ठीक है
मैं निशान से आपका एड्रेस ले लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द आने की। बूढ़े आदमी को तो ये बोल दिया और निशान से बोला कि भाई तू एक बार शाम को मेरे से बात करना, क्या सीन है क्या नहीं। फ़ोन काट दिया। फिर शाम को निशान का फिर से फ़ोन आया अमन को। निशान ने अमन को बताया कि जो बूढ़ा व्यक्ति है इसकी पहचान निशान से एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जिस रेस्टोरेंट में निशान अक्सर कुछ खाने पीने जाता था वहाँ पर ये बूढ़ा व्यक्ति भी अपना लंच करने के लिए आया करता था। दोनों के बीच में बातचीत हुई थी और बूढ़े व्यक्ति ने बात बात में निशांत को बताया था कि बेटा मेरे घर में बहुत ही खतरनाक एक्टिविटीज़ होती है और मुझे डर लगता है। तो अमन ने बोला देख भाई इतना ज़्यादा बूढ़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिमाग में किसी चीज़ का वहम है। उम्र कई बार ज़्यादा हो जाती है तो इंसान कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है और जो जो चीज़ें नहीं होती है उनके बारे में भी सोचने लगता है। निशांत कहता है कि नहीं भाई, मैं उस आदमी को पिछले एक महीने से जान रहा हूँ और वो ऐसा गड़बड़ तो नहीं लगता है, मुझे पूरी तरीके से नॉर्मल लगता है और ऐसा लगता है उससे बात करके उसको सचमुच में हेल्प की ज़रूरत है। 3-4 दिन पहले तूने ही बताया कि तू ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है और फिर आज बूढ़े आदमी ने मुझे ये सारी बात बताया तो मैंने सोचा कि तेरे से बात करा देता हूँ। देख तुम लोग जो लोग करते हो मिलके, पॉसिबल रहे तो आ जाओ। इसने बोला ठीक है भाई, कोशिश कर कि हमें पैसे मिल जाए हम वहाँ पर आए तो, क्योंकि हम खुद घर वालों से पैसे लेकर आएंगे और हम इस चीज़ से पैसे कमा नहीं रहे हैं, तो एटलीस्ट आने जाने के कुछ पैसे मिल जाए हमें, रहने के लिए वो जगह दे दे हमें, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम वहाँ पे आए और हमें होटल वाटल ढूंढना पड़ रहा है। निशांत बोलता है कि तू इतना चिंता मत कर, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी रहता है वो एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा बंगलो है, तो पैसे वाला तो पक्का होगा, उसका मैटर मुझे समझ नहीं रहा, तू आ जा, पैसों का तो हो जाएगा, वो कर देगा, बहुत सीधा आदमी है। अमन बोलता है ठीक है यार, मैं बात करता हूँ अपने जो पार्टनर से उनसे। अमन ने अपने तीनों दोस्तों से बात किया, वरुण, करण और राणा, तीनों से बात किया। इन लोगों ने बोले भाई ऐसा है तो चलते हैं। स्टार्टिंग में अमन ने बोला कि चलो जितना भी खर्चा आ रहा है मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरे ही को फ़ोन आया है ना डायरेक्टली, एक तरीके से मेरी दोस्त के थ्रू, फिर जो भी पैसा मिलेगा अगर थोड़ा ज़्यादा बच गया तो हम लोग आपस में बांट लेंगे और जितना मेरा खर्चा हुआ मैं रख लूँगा। सभी लोग तैयार हो गए और ठीक 3 दिन बाद शिमला पहुँच गए। जनरल डब्बे से ट्रेन पकड़ के ये लोग शिमला पहुँच गए, जैसे तैसे करके पहुँचना था। सबसे पहले निशांत से मिले और निशांत बूढ़े आदमी के घर पर इन चारों को लेकर गया। घर का नज़ारा देखते से ये लोग की आँख फटी की फटी रह गई। ये एक बहुत बड़ा घर था, आलीशान घर। उस बूढ़े आदमी को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि इस आलीशान घर का ये मालिक है। देख के समझ में आ गया था कि वहाँ पर काम करने वाला ये आदमी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीधा था। वो मतलब ऐसा था ना कि उस घर को ऐसा रखा हुआ था कि उसका खुद का अपना घर है। निशांत तो उनको छोड़कर निकल गया, बोला भाई शाम को मिलते हैं, मेरा कुछ ज़रूरी काम है। निशांत वहीं का लोकलाइट बन चुका था अब। निशांत तो निकल गया, लेकिन ये चारों वहाँ पर रुक कर वो बूढ़ा आदमी उस घर में हो रही एक्टिविटीज़ के बारे में इन लोगों को बताने लगा। उस आदमी ने बताया कि रोज़ रात में हमारे घर पे एक बड़ी सी तस्वीर है, वो अपने आप गिर जाती है और उसमें लगा हुआ कांच चकनाचूर हो जाता है। अमन, राणा, वरुण, करण ने बोले कि बताइए कौन सी तस्वीर है। वो बूढ़ा आदमी उनको एक अंदर के बड़े से कमरे में लेकर गया, वहाँ पर लगी हुई थी एक बड़ी सी एक और बूढ़े आदमी की तस्वीर, जिसको देख कर लग रहा था कि वो इसी आदमी के उम्र का है। उस आदमी ने बताया कि ये जिनकी तस्वीर है वो मेरे मालिक है। रोज़ रात में 12 से 1 बजे के बीच में अचानक से ये बड़ी सी तस्वीर गिर के टूट जाती है, इसका कांच चकनाचूर हो जाता है, फिर मुझे इसको लेकर जाना पड़ता है, इसमें कांच लगवाना पड़ता है, या कांच लगाने वाले को यहाँ पर बुलाता हूँ, ये रोज़ का हो गया 1 महीने से। अब मैं इस चीज़ की जानकारी देने के लिए अपने मालिक को फ़ोन करता हूँ तो मालिक को फ़ोन लगता नहीं है। 1 महीने से तो ये हो रहा है, लेकिन अभी 1 हफ्ते से मुझे रोज़ रात में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है इसी घर के अंदर से। मैं उठकर देखने की भी कोशिश किया लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि इस घर में कुछ तो है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। निशांत बेटा ने आप लोगों के बारे में बताया तो सोचा आप लोगों से थोड़ी मदद मांगता हूँ। ये लोगों ने बोले ठीक है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हम आज रात में यहाँ पर रुक सकते हैं। बूढ़े आदमी ने बोला आज ही क्या, आपको जितने दिन रुकना है रुक जाइए, मैं अकेला ही यहाँ पर रहता हूँ। तो इन लोगों ने बोले कि जो आदमी है जिनका ये घर है ये कहाँ रहते हैं। तो उसने बताया कि दरअसल ये उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, कुछ समय पहले तक, कुछ साल पहले तक ये यहीं पर रहा करते थे। इनकी पत्नी थी, इनका एक लड़का था, लड़के ने पढ़ाई कंप्लीट किया और लंदन चले गया, और जो पत्नी थी उनकी कुछ दिन बाद तबीयत खराब होने की वजह से मृत्यु हो गई। बेटा आया था अंतिम संस्कार में लेकिन फिर से वो वापस लौट गया, अब वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। यहाँ पर जो मेरे मालिक थे वो अकेले रह गए, कुछ समय बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे अपने गांव में, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आते जाते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, और बातचीत करते भी रहते थे। 1 महीने से बातचीत नहीं हो पाई है, उम्मीद है उनके साथ तो सब कुछ ठीक है लेकिन इस घर में कुछ गड़बड़ चल रही है।
ये लोगों ने बोले ठीक है, हम अपनी चीज़ों को इंस्टॉल कर देते हैं। आदमी बोलता है कि ठीक है, आप कीजिए जो भी करना है, मैं आप लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ, जाके खाना बनाता हूँ। दिन में तो मैं बाहर रेस्टोरेंट में खाया करता हूँ, लेकिन रात में खुद अपने लिए यहाँ पर बनाता हूँ, तो आप लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जाके। वो चले गए अपना खाना बनाने लगा अंदर किचन में, और ये चारों उस कमरे में चीज़ों को सेटअप करने लगे, जैसे कि AMF मीटर, वो साउंड रिकॉर्डर होता है ना जो कि बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी को रिकॉर्ड कर लेता है, उसको वहाँ पर लगाए। इसके बाद इंफ्रारेड कैमरास को वहाँ पर लगाए, जो कि अपने आप कैप्चर कर लेते हैं चीज़ों को उनके सामने से अगर कुछ गुजर के गया तो। मतलब वो बहुत ही फाइन डिटेल्स को भी कैप्चर कर सकते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देखते, और मैक्सिमम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इस तरह के कैमरेज को यूज़ करते हैं। बेशक आप लोगों ने ये फिल्मों में भी देखा होगा, आप लोगों ने इनके बारे में भी पढ़ा होगा। तो लोगों ने सारी चीज़ें वहाँ पर इंस्टॉल किए और कुछ भी नहीं हुआ। रात के 12:30 बज गए, कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों ने बोले ठीक है, हम सोने के लिए चलते हैं, ये चीज़ें तो यहाँ पर लग गई है, पूरी रात जो भी एक्टिविटी होगी ये सारी चीज़ों में रिकॉर्ड होगी, सुबह हम देखेंगे। बूढ़ा आदमी अपने कमरे में चले गया सोने के लिए, और इन लोगों को एक बड़ा सा कमरा दे दिया जहाँ पर 4 अलग अलग सिंगल सिंगल बेड लगे हुए थे, जो एक तरह का गेस्ट रूम था इस बंगले या हवेली में कह लो बना हुआ, वहाँ पर जाकर सो गए। अब रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास अमन को एक सपना दिखाई देता है। सपने में अमन देखता है कि वो एक गाँव में पहुँचा, एक गाँव में चलते चलते वो एक खंडर में पहुँचा। ये खंडर बहुत ही पुराना सा है, टूटा फूटा। उस खंडर से किसी की रोने की आवाज इसको सुनाई दे रही थी। इस खंडर के अंदर घुसा, अंदर जाता गया कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो रोने की आवाज आ रही है कहीं से। सपने में वो आवाज बहुत ज्यादा इसको डरा रही है, और फिर ये खंडर के बिल्कुल एंड वाले पार्ट में पहुंचा है। उस एंड वाले पार्ट में इसको एक आदमी ऐसी झुकी हुई कमर के साथ दिखाई दिया है। उसकी शक्ल दिखाई नहीं दी है, केवल उसकी शरीर की आकृति दिखाई दी है, जो कि बूढ़ा समझ में आ रहा है। अमन घबरा गया और घबरा कर उठा, पाया कि पसीना पसीना हो चुका है। भाई शिमला में इतनी खतरनाक तरीके से पसीना पसीना हो जाना थोड़ा हैरान कर दिया। अमन सोचा यार मैं कितना ज़्यादा डर गया हूँ, नींद तो टूट गई है, एक बार जाकर देखता हूँ कि उस कमरे में जहाँ पर हमने चीज़ों को इंस्टॉल किए हैं, जहाँ से आवाज़ें सुनाई देती है, जहाँ पर किसी की प्रेजेंस समझ में आती है, जो पेंटिंग टूटती है, आज नहीं टूटी है, क्योंकि आज तो ये लोग पेंटिंग के सामने ही बैठे थे 12:30 बजे तक, उसके बाद सोने के लिए आए थे, तो आज पेंटिंग तो नहीं टूटी है, लेकिन क्या कुछ और हुआ है वहाँ पे? क्या हमारे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है, कुछ कैप्चर हुआ है, एक बार जाके देखता हूँ। ये पहुँच गया भाई, ये पहुँच गया उस कमरे में, और जो कैमरा था उसमें जो कैप्चर हुआ था उसको देखने लगा। एक फ़ोटो दिखी, जिस फोटो में कुछ तो आकृति दिखाई दी है जो सेम टू सेम वैसी ही झुकी हुई है। ये घबरा गया देख के, बोला यार ये तो मुझे सेम टू सेम सपने में दिखाई दिया है, अभी ये क्या सीन है? मैं जाता हूँ अपने दोस्तों को उठाता हूँ। वो दोस्तों के पास गया, उन लोगों को उठाया, बोला भाई देखो देखो कैमरे में कुछ कैप्चर हुआ है, चल के देखो। सब लोग उठे और देखने लगे, हाँ कैप्चर हुआ है, एक बूढ़े व्यक्ति की आकृति समझ में आ रही है, चेहरा ऑब्वियसली क्लियर नहीं है क्योंकि अंधेरा था, और इंफ्रारेड कैमरा ऐसे क्वालिटी नहीं देता है, उसकी क्वालिटी अलग होती है, उसकी कैप्चरिंग कैपेसिटी अलग होती है, तो वैसा फोटो उसने खींचा है। तो शौक हो गए, बोले चलो रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड हुआ है क्या, सुन के देखते हैं। तो रिकॉर्डर को सुनने की कोशिश की तो क्या पाए कि एकदम फटी फटी सी आवाज़ सुनाई दे रही है किसी की रोने की। तो ये बड़ा डर गया यार, बोला सेम टू सेम ऐसे ही सपना देखूं, कांपने लगा, सेम टू सेम ऐसे ही सपना देखूं, सेम टू सेम वैसे ही आकृति देखूं, कुछ तो गड़बड़ है। अब इसका दोस्त वरुण बोलता है क्या हो गया भाई, इतना क्या घबरा रहा है, क्या सीन है? तो इसने अपने दोस्तों को पूरी बात बताया सपने के बारे में। अब इन लोगों ने बोले चलो ठीक है भाई, एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ों को चालू रहने देते हैं, पूरी रात देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड होता है, क्या आवाज़ सुनाई देती है, क्या कैप्चर होता है, सुबह आके फाइनली देखेंगे कि क्या हो रहा है और डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। अब ये लोग सब चालू चुलू छोड़ के अपने कमरे में चले गए। अब नींद नहीं आ रही किसी को। अब अचानक से करण बोल पड़ता है, यार भाइयों तुमने ये बात सोचे कि वहाँ पे कुछ दिखाई दिया, ये पक्का है, कैमरे में कुछ ना कुछ नोटिस हुआ है और कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी है, और अमन को भी ऐसा सपना दिखाई दिया है, तो मतलब किसी ना किसी चीज़ की प्रेजेंस यहाँ पर है। यहाँ पे राणा कहता है कि हाँ यार जब से मैं आया हूँ मुझे भी यहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी सी लग रही है। राणा ने फिर से ये कहा कि यार अगर सचमुच में कुछ शक्ति यहाँ पर निकली तो क्या तुम लोगों को सही में ऐसा लगता है कि अपन उस चीज़ से लड़ पाएंगे, उस चीज़ को यहाँ से हटा पाएंगे, उसको हरा पाएंगे? तो तीनों सोचने लगे, यार भाई कहीं से सीखे साखे तो है नहीं, चीज़ों को पढ़ पढ़ के देख देख के ये सारी चीज़ें में बस घुस रहे थे ये लोग, एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, और शायद आज इनका सामना एक बड़ी चीज से हो रहा था जो एक्चुअल में थी, क्योंकि अब तक जो केसेस में ये लोग इन्वॉल्व हुए थे इतनी ज्यादा एक्चुअल कुछ नहीं था,
बस कहीं से कुछ आवाज आ गई, किसी को कुछ महसूस हो गया तो ये लोग पहुंच जाते थे। ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन आज जो मामला यहाँ पर हो रहा था ये बहुत ज्यादा क्लियर था और किसी को भी डरा देने के लिए काफी था। राणा की बात को इन लोगों ने सीरियस ली और इन लोगों को पछतावा हुआ यार कि अपन तो मैटर सुलझा नहीं पाएंगे, अपन बिना मतलब के उस बूढ़े आदमी, उस केयर टेकर के दिमाग में फिजूल का वो डाल रहे हैं कि नहीं हम सब कुछ ठीक कर देंगे, सुबह होते से ही उसके सामने कन्फेस कर देंगे कि देखिए हमें ये सारी चीज़ों को सॉल्व करना नहीं आता है, हम मुंबई जाते हैं और आपके लिए पक्का किसी ना किसी की मदद भेजते हैं और आप हमें कोई पैसे मत दीजिए, हमारी गलती, क्योंकि इनको बूढ़े आदमी के ऊपर थोड़ी दया आई। सुबह हुई, बूढ़े आदमी को सारी बात बताया। बूढ़े आदमी ने बोला कि बेटा देखो, आप लोग जैसा भी है बहुत कम उम्र के बच्चे हों और मेरे लिए आए हैं यहाँ तक, तो मैं आपको एटलीस्ट आने जाने के पैसे तो दूंगा। तो चलो, आने जाने के पैसे दे दिया और ये लोग हाथ जोड़कर माफ़ी मांग के मुंबई लौट गए। अब मुंबई लौटने के बाद इन लोगों के मन में इतनी ज़्यादा गिल्ट हुई कि एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, कि अपन ने यार इतने वृद्ध इंसान के मन में एक ऐसी उम्मीद जगा दिए थे जो हम कर नहीं सकते थे, आज के बाद से ये चीज़ें छोड़ देंगे। उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ या फिर डर लग गया, पता नहीं क्या था, कि ये चारों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे करके 7 दिन बीत गए। 8वें दिन राणा को अमन का फोन आता है। अमन फोन में बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। अमन बोलता है कि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज अपन मिल सकते हैं क्या? बोलता है कि हाँ हाँ भाई, कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ सबको। इसने वरुण और करण को भी कॉन्फ्रेंस में लिया और चारों ने ये डिसाइड किए कि आज हम लोग इस जगह पर मिल रहे हैं, मतलब कोई होगी जगह यहाँ पर ये लोग हमेशा मिलते होंगे। ये चारों मिले भाई उस जगह पर। अमन ने बताया कि भाई 7 दिन हो चुके हमें शिमला से लौटे हुए, 7 दिनों से मुझे सेम सपना रिपीट हो रहा है और वो रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा क्रीपी होते जा रही है सपने में। अब ऐसा हो गया कि आँख बंद करने से भी डरता हूँ, मुझे बहुत घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि यार जो हम शिमला गए हैं और जो मुझे सपना आ रहा है उसके बीच में कुछ तो कनेक्शन है। क्या हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं? जो हम उतना बड़ा मैटर सॉल्व नहीं कर पाए, एटलीस्ट यही सॉल्व कर लेते कि मुझे क्यों हो रहा है, नहीं तो मैं मर जाऊँगा या पागल हो जाऊँगा, मेरा जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। तो ये सुनकर करण बोलता है कि एक बात बता, तुझे क्या दिखाई देता है सपने में, कैसे जगह है वो? तो इसने पूरा डिटेल में बताया कि ऐसा ऐसा गाँव है, ऐसी ऐसी जगह है। तो बोलता है करण, एक मिनट भाई, जो तू बात कर रहे हैं ना जिस गांव की, उस गांव को मैं थोड़ा शायद जानता हूँ। दरअसल जहाँ मैं बचपन में रहा करता था, जो मेरा एक्चुअल होम टाउन था पहले, जिसके बाद मेरे दादाजी से लेकर मेरे पापा सब मुंबई में शिफ्ट हो गए, वो जगह तेरे सपने वाली जगह से मिलती जुलती समझ में आ रही है, चलना चाहे तो चलेगा क्या? इसने बोले हाँ भाई, कहाँ पर है? तो अमन को बताया कि ये जगह नागपुर के पास एक छोटे से गाँव में है। ये एग्जैक्टली हमारे जो तू बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, वो हमारे होम टाउन के जैसा ही है। इसने बोला ठीक है भाई, चलते हैं। ये लोग फिर से एक जनरल ट्रेन पकड़े और अगले दिन ही नागपुर के लिए निकल पड़े। नागपुर के बाद इन लोगों ने बस पकड़े और उस गांव में पहुंच गए। इस गांव को देख कर इसके रोंगटे खड़े हो गए मन के, वो चल नहीं पा रहा है, घबराहट इतनी, ठंड इतनी लग रही, बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि ये हूबहू वही जगह थी जो इसको सपने में दिखाई दे रही थी। पिछले 7 दिन से ये सपना शिमला से शुरू हुआ था। हिम्मत ही नहीं हो रही है, सर चकरा रहा है कि बोला मैं तो गया, ये कैसी जगह तू लेकर आ गया, यही तो मुझे सपने में दिखाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा डर गया, अब हिम्मत नहीं पड़ रही। अब इन लोगों ने ये डिसाइड की कि भाई जो खंडर इसको दिखाई दे रहा है वहाँ पर अपन अभी नहीं जा सकते, रात में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सवाल है, दिन में कुछ नहीं होगा, तो बस रात में जाया जाएगा। रात तक इसको बहुत नॉर्मल किए, बहुत काम किए। अब रात के 10:30 का समय हुआ और गांव के लोग भी सो सा गए, शांति हुई। ये लोग पहुंचे, ये लोग जैसे उस जगह के सामने पहुंचे हैं, अमन ने रोना शुरू कर दिया। बोला यार मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये एग्जैक्टली वही जगह है, यही वो दरवाज़ा है, यही वो खंडर है जिसके अंदर मैं घुसता हूँ और अंत में मुझे इसका जो आखिरी डोर है, आखिरी में वहाँ पे मुझे किसी की परछाई दिखती है, बूढ़े आदमी की। तो ये बात सुनकर करण क्या बताता है, जैसे तू खंडर कह रहा है ना, ये खंडर नहीं है, ये स्कूल है। इनफैक्ट ये मेरा ही स्कूल था, मैं क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक इस स्कूल में पढ़ाई किया था। फिर पता नहीं यार हम लोग तो मुंबई आ गए, ये कैसे एकदम टूट फूट गया, खंडर बन गया, चल चल के देखते हैं। ये चारों अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किए, EMF मीटर राणा ने हाथ में पकड़ा था, अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर की तरफ जैसे ये लोग कदम रखे हैं, इसको आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई। अमन घबराने लगा, हार्टबीट बहुत बढ़ गई, ये आवाज़ सिर्फ अमन को ही आ रही थी और वो अपने कान बंद कर रहा था, ये आवाज़ किसी और को नहीं आ रही थी और ये हूबहू वही रोने की आवाज़ थी जो उसे सपने में सुनाई देती थी।
ये घबराया घबराया बोलने लगा, भाई यहाँ से निकलते निकलते मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। ये लोग चलते चलते एंड में पहुँच गए। एंड में पहुँचने के बाद किसी को आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन किसी को एक बेंच, एक टूटी सी बेंच थी, उसके पीछे कोई दिखाई दिया। ऐसा लगा कि वो जहाँ पर बैठा हुआ है ना, कुछ मतलब अंधेरा था, पूरा घना अंधेरा, और पीछे एक बेंच थी इधर एंड में, उस बेंच के उस तरफ कोई दिखाई दिया जो कि बैठ के कुछ खोद रहा है ज़मीन जैसा। तो इन लोगों को लगा कि ये कौन है, यहाँ पे कर क्या रहा है, कहीं से कुछ कनेक्शन तो नहीं है, पर चल के देखते हैं। तो चारों ने आवाज़ लगा, ए कौन है तू, कौन है तू? अमन ने नहीं लगाया, अमन तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तीनों ने लगाए, लेकिन वहाँ से किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया जो कोई भी था वहाँ पे। ये लोग आगे की तरफ बढ़े, जब वहाँ तक पहुँचे ना तो क्या पाए कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। अब बोले, यहाँ पे तो कुछ है नहीं यार, तो ये क्या हम लोगों को वहम हुआ? छोड़ो, ऐसा बोल के पीछे हट के जैसे जाने जैसे हुआ कि पैर में कुछ ऐसा फील हुआ, नीचे जैसा खोखला जमीन रहता है, आप उसके ऊपर पैर रख दो, खोखले फर्श के ऊपर, तो आपको अलग ही फील होता है कि खोखला जैसा है। तो उसको वहाँ पे ऐसा खोखला जैसा फील हुआ। किसको फील हुआ? करण को। बोले अरे यहाँ पर कुछ है। अब सब लोग हटे, वहाँ पे फ्लैशलाइट मारे, तो जो फर्श था वो टूटा फूटा था, ऐसा लग रहा था इंटेंशनली उस जगह को ऐसा करके बना दिया गया। इन लोगों ने थोड़ा वहाँ से हटाने की कोशिश की, इतना पक्का भी नहीं था, कच्चा था, और ये जगह बिल्कुल बंजर हो चुकी थी। हटाने की कोशिश की तो क्या पाए, अंदर एक बोरी जैसा है, बोरी समझता है ना, एक जो बैग होता है बड़ा, हाँ, जिसमें चावल और रहता है, वो है प्लास्टिक वाला। और उसको जब ध्यान से टच करके देखे तो जैसे इंसानी शरीर होता है वो, दिमाग खराब हो गया, चारों गंदा डरे और बाहर भागे। बोले अब क्या करें, ये तो मैटर बड़ा खतरनाक हो गया है, एक बार चल के देखे क्या क्या है क्या नहीं, हो सकता है हमारा वहम है, हो सकता है कुछ और है, वो किसी ने रखा हो वो बोरी ओरी में, कुछ गांव है भाई, चीज़ें लोग रखते रहते होंगे, चल के देखते हैं। ये लोग गए और हल्का सा मतलब खिसका के देखे, एक आदमी था, मृत था ऑब्वियसली, दिमाग खराब हो गया। इन लोगों ने फोटो खींच ली। बोले फोटो रखो, सिचुएशन में कभी फंस गए ना तो एटलीस्ट अपने पास सबूत होगा कि हम आए थे, हमने ऐसे ऐसा देखे थे। बोले अब क्या करें, अब कैसे सिचुएशन से बाहर निकले। एक ने बोला पुलिस को बताते हैं, डर रहे थे पुलिस को बताने से कि सारी चीज़ें हमारे ऊपर आएगी, लेकिन बड़ी हिम्मत करके बता दी। पुलिस वाले ऑन द स्पॉट पुलिस वाले पहुंचे उसी वक्त, थोड़ी देर में पुलिस वाले वहां पर पहुंचे। पुलिस वाले पहुंचे, तहकीकात हुई, सारी चीज़ें समझा। पुलिस वालों ने बोले देखो अब तुमको आना तो पड़ेगा, चीज़ें जब तक चलेगी आते जाते रहना पड़ेगा। इन लोगों ने बोले ठीक है सर आएंगे, लेकिन हमने कुछ नहीं किए। और पुलिस वालों ने भी इनकी बातों को समझे कि ऑब्वियसली इनने नहीं किए हैं, और इन लोगों ने पूरा सबूत अबूत दिए कि देखो हम इतनी तारीख को यहाँ पर थे, ये कर रहे थे, इतने दिनों से हम कहाँ गए हुए थे सारा। तो पुलिस वाले भी समझे, मतलब कुछ दिन बाद तक तहकीकात जो चला वो तो खैर आगे की बात है, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये हुआ कि पुलिस वालों ने इनको बोल दिया कि घर को जाओ, घर जाओ। ये लोग घर पहुँचे। अब सुबह के वक्त अमन ने निशांत को फ़ोन किया, बोला कि भाई तू अंकल को हमसे फ़ोन में बात करा, हम मोबाइल में कुछ भेजेंगे, तू उसे देखकर घबराना मत। निशांत को कुछ पता ही नहीं। निशांत ने बोला ठीक है मैं जाता हूँ अंकल के पास, शाम को फ़ोन करो। अब शाम को निशांत पहुँचा होगा अंकल के पास, अंकल से बात किए, अंकल को सारी बात फ़ोन में बता दिए। अंकल ने बोले ठीक है बेटा फ़ोटो भेजो। फोटो भेजा निशांत के मोबाइल में। अब निशांत ने दिखाया, वो अंकल फूट फूट के रोने लगे, बोलते हैं कि बेटा ये मेरे मालिक हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे चेहरा तो खराब हो गया होगा, ऑब्वियसली एक महीने से वहाँ पे थे, चेहरा खराब हो गया होगा, लेकिन उनकी एक अंगूठी थी ऐसी, वो अंगूठी देखकर वो पहचाना जो केयर टेकर था। बोले बेटा ये मेरा मालिक ही है। और कपड़े भी तो पहचान में आते हैं। हाँ, ऐसा बोल के वो फूट फूट कर रोने लगा, बात करने के मतलब काबिल ही नहीं बचा। इन लोगों ने 5-10 मिनट तक बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं कर पाया। फिर निशांत ने फ़ोन लिया, बोला कि भाई मैं सब समझ गया हूँ, अंकल जी जो भी बात कर रहे थे मैं सब समझ गया हूँ, मैं इनको नॉर्मल करता हूँ, तुम भी चीज़ों को संभालो, और कुछ दिन बाद मौका मिले तो शिमला आओ। ये लोग नागपुर से अपने मुंबई वापस लौटे। ये चलता रहा, तहकीकात चलती रही, सब कुछ चलती रही। फिर अभी से लगभग 6 महीने पहले इस चीज़ का वो आ गया, वो निकल गया, जो जस्टिस मिलना कहते हैं ना, वो निकल गया। पता चला कि वो जो बूढ़ा आदमी था, जो मतलब उस शिमला वाली हवेली का मालिक था, उसका एक दूर का रिश्तेदार था, मतलब उसका कज़िन ब्रदर। उसके जो दो बेटे थे उनकी नज़र बहुत समय से वो शिमला वाले बंगलों पर थी। इन लोगों ने बहला फुसला के मालिक को, उत्तराखंड के गांव में था ना वो, तो मालिक को बुलाए थे नागपुर में, जो कि नागपुर में ही रहा करते थे,
भला फुसला के बुलाए, एक दो दिन उसके साथ रहे, बोले कि चलो खेत घुमा कर लेकर आते हैं, उनको गाड़ी में बैठा ले हैं, यहाँ पर लाए हैं रात के समय और यहाँ पे खेल कर दिए बूढ़े आदमी को। और किसी को कानो कान खबर भी नहीं पहुंची, क्योंकि ये लोग खुद नागपुर से आए हुए थे इस छोटे से गांव में और रात में ये खेल करके गए थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी कि ये मामला जो हुआ, जो सॉल्व हुआ, वो कैसे लेवल पे सॉल्व हुआ यार। मतलब तहकीकात तो पुलिस वालों ने किए ही होंगे जैसे भी किए, लेकिन अमन को ये सब कुछ क्यों दिखाई दिया, ये आज तक खुद अमन नहीं समझा है। उसका दिमाग चकरा जाता है ये चीज़ सोचकर। उस दिन के बाद से अमन और सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भैया हमारे बस की नहीं है, हम इस मामले से इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि दूर से ही नमस्कार, हम आगे कभी नहीं करेंगे ये चीज़ कंटिन्यू। हो सकता है कि अमन उतने साफ दिल का था, इसकी वजह से उसको सारी चीज़ें महसूस हो रही थी, और जो बूढ़े आदमी की आत्मा थी वो चाहती थी कि उसके शरीर को अंतिम संस्कार मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले, तभी तो वो इतने टाइम से भटक रहा था। अपना जो केयर टेकर था उसके लिए भी वो कर रहा था कि उसको महसूस करवा रहा था कि मैं नहीं हूँ इस दुनिया में, तुम मेरे लिए कुछ करो, जस्टिस मांग रहा था। हाँ, एक तरीके से मांग रहा था। और उसको ऐसा लगा कि मुझे जस्टिस इन्हीं लड़कों की वजह से मिल सकता है। जैसे सिचुएशन भी क्रिएट हुई, ये लोग पहुंचे, अमन को सपने में दिखाई दिया, फिर कांटेक्ट मिला करण से कि इस जगह का हो सकता है, और सब कुछ सॉल्व हुआ। मैंने इस न्यूज़ के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा सर्च करने की भी कोशिश किया, लेकिन इंटरनेट में इसका एक छोटा सा आर्टिकल मिला। दरअसल इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी अमन ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर हमें बताया है। उसने ये भी बताया कि भाई ये बहुत छोटी जगह पर सॉल्व हुआ है केस, और ज़्यादा मीडिया में नहीं आना था, क्योंकि ये जो केस था ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस। जितने भी आपने नाम सुने हैं वो सारे नाम अलग हैं, किसी का भी रियल नाम हमने नहीं बताए। तो भाई ऐसा हुआ ना कि चीज़ तो सॉल्व हो गई, लेकिन ऊपर उठ के मीडियाज़ में नहीं आए, सिर्फ एक छोटा सा आर्टिकल हमें मिला, उस बेस में हम लोग आपके सामने ये कहानी लेकर आए हैं। तो खैर दोस्तों, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।